आजकल ये मॉडर्न और भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल में ज्यादातर लोग कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल में भी दो तरह के कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड वाले कोलेस्ट्रॉल को हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है, ये ब्लड सर्कुलेशन और टिश्यूज को बनाने में महत्वपूर्ण कदम उठाती है। वहीं बैड कोलेस्ट्रॉल को लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है, जो हार्ट के आर्टरीज के ऊपर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट में ब्लड जाने में दिक्कत होती है। लेकिन ये समस्या सर्दियों में और भी ज्यादा बढ़ जाती है, तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि इसकी मुख्य वजह क्या होती है। हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका। शरीर में सेल्स बनने से लेकर विटामिन और हार्मोनल बदलाव में कोलेस्ट्रॉल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की वजह से कई तरह के बदलाव होते हैं। सैचुरेटेड फैट वाली चीजें जैसे कि पाम ऑयल, नारियल तेल, रिफाइंड ऑयल से बनी चीजें खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। नहीं नहीं, खराब लाइफस्टाइल से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। जिन लोगों को बीपी की परेशानी है, उन्हें जो है डाइट का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। डाइट में ज्यादा से ज्यादा हेल्दी चीजों को शामिल करने की जरूरत है, जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल न बढ़े। इसके लिए आप अपने खाने में दलिया मिला सकते हैं। जी हाँ, अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में दलिया खाना आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। दलिया बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, ये सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि दलिया में काफी ज्यादा फाइबर और एडिबल को कम करता है, जो साथ ही दलिया के अलावा साबुत अनाज या अंकुरित अनाज, सेब और गन्ना भी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इन चीजों को सुबह ब्रेकफास्ट में शामिल आप जरूर करें और कोशिश करें कि आपके पूरे दिन एक भी मील में आप इसको जो है वो जरूर खाएं। दूसरी चीज आती है ओमेगा 3 फैटी एसिड। जी हाँ, जिसमें फिश, सरसों तेल, अलसी के बीज, चिया में ओमेगा 3 फैटी एसिड की भरपूर मात्रा होती है। इनमें अच्छे कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, जो हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल में इन चीजों में सबसे ज्यादा पाई जाती है, जैसे सेल्सन, टूना मछली, सर्दियों में बीज वाले फल जैसे कि चिया के बीज, रागी, अलसी के बीज, ज्वार, बाजरा, ये जो सब है वो आपको खाना चाहिए। सबसे आखिरी आता है ड्राई फ्रूट्स। यहाँ अखरोट में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें भरपूर मात्रा में मल्टीविटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। लेकिन बादाम बहुत ज्यादा मात्रा में आपको नहीं भी खाने चाहिए, लेकिन आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी में इसका सेवन जो है वो जरूर करना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रही है हमारे साथ। नमस्कार।